अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग अपने टॉपिक्स कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 के 2.11 फ्रॉम पीटीबी एंड क्वेश्चन नंबर 36-40 एंड क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम आईटी सीरीज। टॉपिक जो हमारा आज का है वो हमारे पास है ऑपरेटर्स इन बेसिक। सबसे पहले हमने देखना है कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। के ऑपरेटर्स क्या हैं, कि ऐसे सिंबल्स हैं जो कि डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज होते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। अब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम एडिशन करवा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एड प्लस का जो सिंबल है ये भी हमारा एक ऑपरेटर है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज साइन आ जाता है, मॉडुलस आ जाता है हमारे पास। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग इसमें यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनको फर्दर अब हम लोग अपनी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स क्या हैं, वो सिंबल्स, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स वो कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम लोग अपने डेटा के ऊपर अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाने के लिए यूज होते हैं ऑन वैल्यूज, मींस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। अरिथमेटिक ऑपरेटर किससे यूज होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाने के लिए। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज के, ये हमारा जो काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म होता है। अब कौन कौन से हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन का, जिसका सिंबल हमारे पास प्लस का है, और इसको अगर हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो इसे हम लोग ए प्लस बी लिखेंगे, और अगर बेसिक ऑपरेशंस में भी ये हमारे पास ए प्लस बी में ही लिखा जाता है। ये हमारे पास ऑपरेशन है, सिंबल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और ये हमारा बेसिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास के नॉर्मल हम लोग इनको कैसे लिखते हैं।
फर्स्ट वन हमारा एडिशन का था। अब इसके अगर हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इनकी, 5 + 5 ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग माइनस साइन यूज़ करते हैं, a माइनस बी। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग इसको लिखते हैं, बेसिक में भी a माइनस बी ही लिखा जाता है, और अगर एग्जांपल में देख लें तो 10 - 5 हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है, हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो स्टेरिक सिंबल यूज़ होता है, ये वाला। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इसको हम लोग स्टेरिक साइन के साथ लिखते हैं, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, बेसिक में ये हमारे पास स्टेरिक के साथ लिखा जाता है। और एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो 2 × 2 या 2 * 2, ये चीज़ आ जाएगी। देन हमारे पास आती है डिवीजन। डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं, a/b, और बेसिक एक्सप्रेशन में भी इसके लिए हम स्लैश ही यूज़ करते हैं, एंड 4/2। फर्दर नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हैं वो हम लोग टॉप पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। डिवीजन के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंट का। ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं या ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पर ही यूज होते हैं। एक्सपोनेंट के लिए हम लोग ये एरो हेड वाला जो सिंबल है ये यूज करते हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वो जस्ट इस तरह आती है कि यहाँ पर हम लोग कोई भी जो वैल्यू है अपनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, इधर सपोज वो नंबर जो भी हमारी कोई वैल्यू में आ रही है, कोई जो हमारी पावर होगी वो इधर हम उसको हमने n लेट कर लिया है, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में तो वो इस तरह लिखा जाएगा कि a देन एक्सपोनेंट का साइन और उसके बाद n वैल्यू जो भी हम पावर में लेना चाह रहे हैं। मीन्स अगर हम 2³ लेना चाह रहे हैं तो 2 × 3 लिखेंगे हम उसको। देन हमारे पास आ जाती है निगेशन, मीन्स हम वैल्यू को नेगेटिव करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग माइनस साइन यूज़ करते हैं कि हम वैल्यू के स्टार्ट में माइनस साइन लगा देते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे कि अगर 3 एक पॉजिटिव का है, मैं उसको निगेट करना चाह रही हूँ तो वो हमारे पास -3 हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आ जाता है मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम लोग मॉड का वर्ड यूज़ करते हैं, MOD, मॉड बी। इसी तरह अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में भी a मॉड b ही लिखा जाता है। और देन हमारे पास जो रिजल्ट इसका आता है, एग्जांपल में हम लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो 10 / 3। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, एक हमारे पास सिंपल डिवीजन थी, एक हमारे पास आ जाती है इंटेग्रल डिवीजन। इंटेग्रल डिवीजन के लिए, सिंपल डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज़ कर रहे थे, फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन इंटेग्रल डिवीजन के लिए हम लोग बैक स्लैश यूज़ करते हैं। (10/3) अब ये जो हमारे थे, ये हमारे जो थे हमारे पास, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फर्स्ट जो हमारे ऑपरेटर्स थे, फर्स्ट 6 दिस वन और दिस वन के स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो इनका रिजल्ट आएगा एज इट इज़ वो इनको प्रिंट करवा देगा, लेकिन लास्ट 2 जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ये वाले 2 ऑपरेटर्स हमारे, एक इसमें मॉडुलस का हमारा आ रहा है और सेकंड जो हमारे पास ये इंटेग्रल डिवीजन का आ रहा है, जिसको हम लोग, इस ऑपरेटर को हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। मीन्स मॉडुलस में क्या होता है, जो हमारा एंड रिजल्ट आना होता है कि हमारे डिवीजन के बाद क्या आंसर आया। सपोज 10/3 है, 3 × 3 = 9, तो ये जो हमारा 1 रिजल्ट आया है इसको हम लोग मॉडुलस या रिमाइंडर कहते हैं, ये चीज़। अब इसको हम लोग, ये जो हमारे हैं ये इंटेग्रल डिवीजन है, इसमें क्या होता है, इन दो ऑपरेटर्स में, अब डिवीजन का आंसर, लेट्स सपोज अगर आप सिंपल 10.3 का आंसर देखते हैं,
हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं एक डिवीजन के लिए, ये हम लोगों ने ली थी मॉडल्स के लिए। अब मॉड में उसने हमें 1 रिटर्न कर दिया। अगर हम डिवीजन की एग्जांपल देखते हैं, हम 5 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 2 2 आर 4, 1 2 5 आर 10, ये चीज़ हमारे पास आया है। अगर हम डिवीजन में इसका आंसर देखते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर हमारी बैक स्लैश यूज़ हो रही है, मींस इंटेग्रल डिवीजन हो रही है और हमें वो 5 डिवाइडेड बाय 2 कह रहा है, तो इसमें हमें जस्ट वो इंटेग्रल पार्ट आंसर में देगा, हमारा डेसिमल पार्ट उसके आंसर में कवर नहीं होगा। इसका आंसर हमारे पास जस्ट वो 2 यूज़ करेगा, इसमें वो इसका आंसर में इंटेग्रल जो पॉइंट वाली वैल्यू उसको वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये इंटेग्रल डिवीजन है, सिर्फ इंटेग्रल पार्ट आएगा, डेसिमल पार्ट नहीं आएगा। और मॉडल्स में क्या होता है, हमेशा हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा होता है ये उसको यूज़ करता है, कोई और वैल्यू यूज़ नहीं होती है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड जो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है, हम लोगों ने उनका रिलेशन चेक करना है कि उनका रिलेशन कैसा है हमारे पास। अब वो हम देखते हैं कि उनके लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होंगे जो हम लोग यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में तो हम लोगों ने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इंटेग्रल डिवीजन, मॉड, निगेशन और एक्सपोनेंट को यूज़ किया था। ये सारे जो थे ये हमारे इंटेग्रल डिवीजन में यूज़ हो रहे थे। अब हम लोग अपना करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें हम लोग रिलेशन चेक करेंगे और उसमें चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर टू वैल्यूज़, कि टू वैल्यूज़ को ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं और हमें आंसर देते हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, कि ये हमारे ऑपरेटर्स हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देते हैं। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम कौन कौन से सिंबल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, कौन से हमारे इनमें ऑपरेटर्स हैं, उनका सिंबल क्या होगा, उनकी एक्सप्रेशन क्या होगी, जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक में देखा था। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे सेम हम लोगों ने अरिथमेटिक के लिए ड्रॉ किया था कि ऑपरेटर्स देन उनके सिंबल्स एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास आ जाता है कि एवेल्यूएट होकर उनका रिजल्ट क्या आएगा, एवेल्यूएशन या फिर रिजल्ट। अब सबसे फर्स्ट वन जो ऑपरेटर हमारे पास आ रहा है वो आएगा इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू के लिए हम लोग इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। लेट्स सपोज हमने टू वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, ए इक्वल्स टू बी। अब ए और बी का आंसर वो इक्वल हमें कब ट्रू देगा, यहाँ पर हम लोग ए और बी की टू वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 4। अब ए इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास, ए और बी इज दीज आर इक्वल, नो, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि वैल्यूज इक्वल नहीं है हमारे पास, दीज आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इनका आंसर, द आंसर इज फॉल्स। सेकेंड हमारे पास आ रहा है लेस देन। लेस देन हमने चेक करना है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी है। अब इज 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, नो, ये भी हमारा ए जो है वो हमारा ग्रेटर है, मींस हमारी 5 की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंबल हमारे पास दिस वन। अब इसमें हमने एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, इसमें हम चेक करेंगे 5 ग्रेटर देन 4 है, यस का स्टेटमेंट हमारी एक्सप्रेशन हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है, हमें ट्रू रिजल्ट दे रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा एवेल्यूएट होकर। उसके बाद हमारे पास आता है लेस देन एंड इक्वल्स टू। लेस देन एंड इक्वल्स टू,
मीन्स दिस वन, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे, इसे हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं, तो ये जो चीज़ है हमारी, ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इसको इस फॉर्म में ही लिखें। तो वैल्यूज़ के साथ हम चेक करते हैं, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ना तो 5 उससे लेस देन है, मीन्स हमारी ए की जो वैल्यू है वो बी से ना तो लेस देन है और ना ही इक्वल्स टू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसी तरह हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को चेक करना है, इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे ग्रेटर और उसके साथ इक्वल का सिंबल, एक्सप्रेशन इसका हमारे पास क्या आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहां पे हमने साइन मिस्टेक कर दी थी, इधर ये लेस देन का था और इधर हम लोगों ने अपना ग्रेटर का सिंबल यूज़ करना है। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये इक्वल नहीं है बट ग्रेटर है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, 2 आ जाएगी, इसका रिजल्ट हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे ग्रेटर और लेस देन, इन दोनों को इकट्ठा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा नॉट इक्वल टू के लिए, ए नॉट इक्वल टू बी मीन्स 5 नॉट इक्वल टू 4 के, इनका रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेक करें तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ रिलेशन ऑपरेटर्स के सिंबल, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, इनके हम लोगों ने सिंबल्स, एक्सप्रेशन और उसके बाद वैल्यूएशन, हम लोगों ने इनको वैल्यूएट किया विद वैल्यूज और उनका हमने रिजल्ट चेक किया कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। देन हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने चेक करना है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहा है, ठीक है, दो रिजल्ट्स को कंबाइन करे, उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू इवैल्यूएट कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं टू इवैल्यूएट कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, कि कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को एवेल्यूएट करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब वो एक्सप्रेशन जिनमें हम लोग डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करें उन्हें हम लोग कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशंस विच इन्वॉल्व लॉजिकल ऑपरेटर्स। To solve a problem is called logical expression. अब logical operators हमारे क्या थे, evaluate होते थे complex conditions को evaluate करने के लिए, और logical expression क्या है हमारे, वो एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व या दैट कंप्यूट डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशन के, जितने डिफरेंट जिनके अंदर हमारे पास रिलेशन एक्सप्रेशन हो या जिनमें हम लोग इन्वॉल्व हो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप्स कितनी हैं, अब हम लोग वो देख लेते हैं कि टाइप्स, 3 टाइप्स हमारे पास इसमें आ जाती हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। नॉट के लिए जो है वो हम लोग सिंपल जो है वो
नेगेटिव साइन हम लोग उसके ऊपर मार्क यूज़ करते हैं, और के लिए हम लोग एडिशन का सिंबल यूज़ करते हैं, और एंड के लिए हम लोग डॉट साइन यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंड ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है। एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग डॉट साइन यूज कर रहे हैं। अब एंड ऑपरेटर में होता क्या है कि इसमें हमारे पास, हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह हमारे पास इसका रिजल्ट जनरेट होता है। कि सपोज हम लोगों ने टू वेरिएबल्स लिए एक्स एंड वाई। अब थर्ड वन जो हम लोग ले रहे हैं वो इसमें हम लोग इसका रिजल्ट चेक करेंगे। एक्स प्लस वाई, और यहां पर हम इसका रिजल्ट लेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं तो इसमें टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आएंगी, फोर। अब हमने कैसे, हमें आइडिया होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं। जितने भी हमारे पास, हमने हमेशा टू को टू हमने लेना है क्योंकि हम लोग टू वैल्यूज़ आ रही होती हैं। देन हमने देखना है कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। टू वेरिएबल्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो टू की पावर हम लोग टू लेंगे तो टोटल हमारे पास फोर, मीन्स हमारे पास फोर कंडीशन आएंगी। देन हमने कैसे चेक होगा कि हमारे पास कितनी कंडीशन ट्रू की हैं और कितनी फॉल्स की हैं। ये जो हमारे पास फोर रिजल्ट आया हमारे पास इस टू को, जिसकी हमने पावर ली थी, इसे इस पर हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, टू। तो इट मींस जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारा, इसमें हमने दो कंडीशंस ट्रू की लेनी है, दो कंडीशंस फॉल्स की लेनी है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसको हम लोग वन और जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद अब हमने चेक करना है कि हमने जी में किस अकॉर्डिंग वैल्यूज लेनी है, सॉरी वाई में कितनी बार ट्रू लेना है और कितनी बार फॉल्स। उसके लिए हमने अगेन इसको टू पे डिवाइड करना है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, वन। इट मींस वाई में हमारे पास एक बार ट्रू आएगा, एक बार फॉल्स, इसी तरह फिर एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मींस वन जीरो वन और जीरो। कि ट्रू के साथ हम लोग वन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं ट्रू की जगह, फॉल्स की जगह ज़ीरो। अब अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हो, थ्री या फोर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर उसकी पावर थ्री कर देंगे, अगर फोर वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो फोर, और उसके बाद सेम प्रोसेस जो रिजल्ट आएगा उसे टू टू पे आप डिवाइड करते जाएंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट वेरिएबल में आपने कितने टाइम्स ट्रू लेना है, कितने टाइम फॉल्स, इसी तरह सेकेंड एंड देन थर्ड। अब हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने इसमें सिंबल एंड के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इसमें हम लोग देखा जाए कि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू आ रही हैं, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं तो ही हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्योंकि जेड इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय वन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका आंसर वन आ रहा है। तो इट मीन्स ट्रू और ट्रू दोनों वैल्यूज़ जब सेम होंगी, दोनों जब ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा हमारे पास, अदरवाइज रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, मींस वन मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जीरो आ रहा है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो इट मींस ये क्या है, हमारा फॉल्स है। इसी तरह नेक्स्ट, फिर अगेन हमारे पास फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, सेकेंड हमारे पास ट्रू है, इसका आंसर भी हमारे पास फॉल्स आएगा। उसके बाद दोनों कंडीशंस हमारे पास क्या आ रही हैं, फॉल्स आ रही हैं, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। क्या होता है एंड ऑपरेटर में कि हम लोग इसमें डॉट सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है कि जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज सब कंडीशंस में हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब सेम में आपने ये नहीं करना है कि दोनों जो हैं यहाँ पर भी सेम है, लेकिन दोनों क्या है, फॉल्स वाली सेम है। जब तक दोनों वैल्यूज़ आपके ट्रू नहीं होंगी, मींस अगर आप ऑन ऑफ यूज़ कर रहे हैं, वन की जगह पे हम लोग ऑन भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग ऑफ भी कह सकते हैं, कि ये थ्री कंडीशंस हमारी यूज़ हो सकती हैं, ऑन वन और ट्रू। कि जब दोनों कंडीशंस हमारी ऑन होंगी, या दोनों वैल्यूज़ वन हो, या दोनों कंडीशंस ट्रू हो, एंड ऑपरेटर में तभी रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है, अदरवाइज हर कंडीशन में रिजल्ट फॉल्स आता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है और ऑपरेटर। इसके लिए भी हम लोग अपने टेबल्स के थ्रू जो है वो चेक करेंगे कि इसके हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं।
टू वेरिएबल, इसमें हम लोग लेंगे एक्स और वाई, और थर्ड वन में हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे। अब सेम वही कंडीशन जिस तरह मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर में कि हम लोगों ने कैसे चेक करना है कि कितने वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास कितनी कंडीशंस हमारे पास ट्रू की आएंगी और कितनी फॉल्स की, उसमें हमारे पास हमें रिजल्ट हमारे पास क्या आया था कि दो कंडीशंस ट्रू की आ रही थी एक्स की और दो फॉल्स की, और वाई के लिए एक ट्रू थी, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब एंड ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास इसका रिजल्ट का कॉलम आएगा एक्स प्लस वाई का, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि एडिशन वाला प्रोसेस एक टाइप का इसमें हो रहा है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन हमें ट्रू मिल जाती है, मीन्स अगर एक भी वैल्यू हमारे पास वन आ जाती है, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ जाएगा इसमें। कि अगर वन प्लस वन करते हैं, तो इसमें हम लोग वन प्लस वन यहाँ पर उसको टू कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट ये है कि एडिशन में हमें वो रिजल्ट ट्रू दे देगा इसका, कि रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी अगर 1 प्लस 0 मीन्स ट्रू और फॉल्स, दो कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं और ऑपरेटर यूज हो रहा है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। सेम प्रोसेस थर्ड कंडीशन में हमारे पास आ रहा है कि फर्स्ट फॉल्स है लेकिन सेकंड क्या है, ट्रू है, मीन्स एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद सबसे लास्ट कंडीशन जो इसमें हमारी आ रही है, उसमें हमारे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स आ रही हैं, तो इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब एर और ऑपरेटर में हमने क्या देखा है कि अगर एक भी वैल्यू हमें ट्रू मिल रही है, तो उससे हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है, लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या था कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती थी, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाता था। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है एंड और ऑपरेटर में। अब हम लोग मूव करते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। वो हमारे पास किस लिए यूज होता है, नॉट ऑपरेटर निगेशिएशन के लिए, निगेशन के लिए, मीन्स वो हमारी वैल्यूज को निगेशिएट कर देता है, उसको उल्ट कर देता है कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो उसको नेगेटिव कर देगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। अब इसके लिए हम लोग बार भी यूज करते हैं, और ये वाला सिंबल जो है हम लोग इस फॉर्म में, ये सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। अब कैसे यूज होगा इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम एक्स सिंगल वैल्यू पे ही ऑपरेटर जो है ये काम करता है, एंड और ऑपरेटर थे वो हमारे टू वैल्यूज या टू से ज्यादा पे वर्क करते थे, लेकिन नॉट ऑपरेटर वो हमारा सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है। अब सपोज एक्स हमारे पास एक वेरिएबल था, उसकी एक वैल्यू ट्रू थी और एक वैल्यू उसकी फॉल्स थी। अब हम एक्स नॉट लेना चाह रहे थे, मीन्स एक्स पे हमने बार लगा दी या निगोशिएट एक्स, तो इसके लिए क्या होगा, ये इसकी वैल्यू को उल्ट कर देगा, उसका रेसिप्रोकल कर देगा, तो ट्रू वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी अगर उसका हम नॉट लें, और फॉल्स वाली हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ये था हमारा नॉर ऑपरेटर। अब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, थ्री टाइप्स के थे, एंड और नॉट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं दो चीजों को कंबाइन करने के लिए, मींस दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हम लोग ये वाला ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और सिंबल जो इसमें हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास प्लस का जो सिंबल है वो यूज होता है। एग्जांपल इसकी हम लोग देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम, हम लोग एक छोटा सा लेंगे जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है। अब एक हमने प्रोग्राम लिया, उसकी लाइन नंबर 10 ए एक स्ट्रिंग वेरिएबल था, हमने उसके साथ डॉलर साइन लगा दिया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसमें हमने नेम लिखा अली। अब स्ट्रिंग है तो वो डबल कोटेशन मार्क में लिखी जाएगी। सेकंड हमने बी जो लिया वो हमने लिख लिया अहमद, सेकंड स्ट्रिंग भी हमने बी। अब थर्ड स्ट्रिंग हमने यूज करनी है उनको कंकेटिनेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए स्ट्री स्ट्रिंग। तो कैसे कंबाइन करेंगे, ए वेरिएबल जो भी हमने लिया था साथ उसके हमने डॉलर साइन लगाया था ताकि इंडिकेट हो जाएगी हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, प्लस ये प्लस साइन जो है वो हम यूज कर रहे हैं इसको कंकेटिनेट करने के लिए, ये वाला सिंबल हमारा यूज हो रहा है इनको कंबाइन करने के लिए। प्रिंट सी डॉलर।
फिर डॉलर साइन से वो स्ट्रिंग इंडिकेट हो रही। अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगी, इसकी आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो कुछ ऐसी आएगी कि अली और अहमद, कि उसने दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन किया और इकट्ठा एक स्ट्रिंग में शो करवा दिया है, एक उसके अंदर एक ही लाइन को शो। अगर सेपरेटली हम लोग ए और बी को प्रिंट करवाते तो अली सेपरेट लाइन में शो होता और अहमद सेपरेट लाइन में, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, इनको कंकेटिनेट किया था, कंबाइन किया था प्लस साइन के थ्रू, कंकेटिनेशन सिंबल के थ्रू, कंकेटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू, तो वो हमारा कंकेटिनेट हुआ, मीन्स कंबाइन होगी दो स्ट्रिंग्स और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया अली अहमद। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो हमारे पास आती है ऑपरेटर प्रेजिडेंस, कि ऑपरेटर्स किस फॉर्म में वर्क करते हैं, कि किस ऑपरेटर की प्रेजिडेंस हाई है, किसकी हमारे पास लो है, कि अगर हमारे पास तीन से चार ऑपरेटर्स एक फॉर्म में आ रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर हमारा पहले यूज होगा, कौन सा बाद में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अब सबसे पहले इसमें हम लोगों ने क्या चेक करना है कि हमारा कौन सा किस ऑपरेटर की हमारी प्रेसिडेंस हाई है, कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर या एक प्रोग्राम है उसमें एक एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारे पास तीन से चार जो हैं जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, तो हमें कैसे आइडिया होगा कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है और किसकी लो है, किस ऑपरेटर को हम पहले यूज़ करेंगे, किसको बाद में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे अब हम लोग देखते हैं कि किसकी प्रेसिडेंस जो है वो सबसे हाई है, अगर एक एक्सप्रेशन में हमें ज़्यादा आ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्रैकेट को एवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है, एक टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि किसकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। सबसे पहले हमारा जो है वो ब्रैकेट सिंबल यूज़ होगी, सॉल्व होगी, देन उसके बाद हम लोग अपनी पावर को सॉल्व करेंगे कि जो भी हमारे पास पावर में आ रहा है, उसके बाद हमारे पास निगेशिएशन का, अगर निगेशन का साइन यूज़ हो रहा है मीन्स नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमारा माइनस का नहीं है, निगेशन का है, कि अगर वैल्यू उनको नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, जो भी मीन्स उसको उल्ट देना है उसकी वैल्यू को, वो यूज़ होगा। उसके बाद हम लोग अपना स्टेरिक और डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम होगा, देन अगर इंटेग्रल डिवीजन आ गया वो, उसके बाद मॉडुलस, उसके बाद हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होगा, देन हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास हमारे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, और सबसे लास्ट पे हमारा जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है, मीन्स एट द एंड हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये सारे जो हैं ये हमारे आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और देन हमारे पास ये आते हैं हमारे, सॉरी, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और ये हमारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हमारे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन सेकंड नंबर पे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड पे हमारे आते हैं लॉजिकल, और एट द लास्ट सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस इसकी है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की, क्योंकि सबसे एट द एंड जब हमारा सारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है तो सबसे एंड पे हम लोग वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं इक्वल्स टू के साथ। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, होप आपको सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जज़ाकअल्लाह खैरा।